हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है करंट अफेयर्स, जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं प्रधानाध्यापक शिक्षक परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। एक नंबर से देखते हैं, 25वां नंबर का एक। जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया? ए मलेशिया, दूसरा थाईलैंड यानी बी थाईलैंड, सी मालदीव, डी श्रीलंका। जी बताइए। तो इसका आंसर है सी मालदीव। आज 26वां यानी दूसरा नंबर। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? अनीश दयाल सिंह, सी आर पी एफ के महानिदेशक, बी अरविंद पनगढ़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, या सी अरिंदम अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व, या उपयुक्त सभी डी। तो इसका आंसर है सभी डी। आगे 27वां नंबर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? ए सऊदी अरब, बी यूएई, या सी ओमान, या डी कतर। जी हाँ बताइए। इसका आंसर है बी यूएई। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए एक है, वर्ष 2024 में BRICS शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। दो, 1 जनवरी 2024 में मिस इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात बिक्रस के 5 नए सदस्य बने। अब इन दोनों में कौन सा है? देखिए, केवल ए, केवल बी, सी, एक और दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ बताइए, क्या सही होगा? तो इसका आंसर है एक और दो दोनों सही है, सी। आगे देखते हैं, 29 नंबर देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संवित गुरुकुल बालिका सैन्य स्कूल का उद्घाटन किया? ए मथुरा उत्तर प्रदेश, बी पटना बिहार, सी रांची झारखंड, या डी भोपाल मध्य प्रदेश। जी हाँ बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। आगे 30वां नंबर। 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज को एम एस स्वामीनाथनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, बी राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, या सी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, या डी बिहार कृषि विश्वविद्यालय बशोर। जी बताइए। तो इसका आंसर सी है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। आगे 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी भोपाल, या डी उत्तर प्रदेश। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर है डी उत्तर प्रदेश। आगे 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, या डी अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ बताइए, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश, बी। आगे, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? ए सुखसेन मिश्रा चार्ट के प्रधानमंत्री, बी इंद्रमणि पांडे BIMSTH बिम्सटेक के महासचिव, या सी डेविड कैमरन ब्रिटिश के विदेश मंत्री, उपयुक्त सभी। जी हाँ बताइए, इनमें से कौन सही है? तो इसका सही है डी उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं 34वां नंबर। निम्नलिखित में
से कौन सा राज्य निवेगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब या डी हरियाणा। जी हाँ, बताइए इसमें से कौन सही है? तो इसमें से सी सही है, पंजाब। आगे, किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न महोत्सव प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड या डी उड़ीसा। जी हाँ, तो इसका आंसर है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? बी मध्य प्रदेश। आगे, 36वां नंबर से यानी कि स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान यानी पृथ्वी को 2021-26 के अवधि के दौरान क्रियान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? ए पृथ्वी विज्ञान संग्रहालय मंत्रालय, बी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर ए है, पृथ्वी विज्ञान संग्रहालय। आगे, 37वां नंबर, जमीनी स्तर पर महिला नेताओं को सशक्त बनाने की, सॉरी एक बार फिर सुन लेते हैं, 37वां नंबर, जमीनी स्तर की महिला नेताओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी ओम बिरला या डी अमित शाह। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ओम बिरला। आगे, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? ए इंदौर मध्य प्रदेश, बी रांची झारखंड, सी पटना बिहार, डी पणजी गोवा। जी हाँ, बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है पणजी गोवा। आगे, 39, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी केरल। जी हाँ, बताइए तो इसका आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। आगे, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी दे। ए महर्षि वाल्मीकि, बी महर्षि वेदव्यास या डी महर्षि विश्वामित्र या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बताइए तो इसका आंसर है महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा गया है। किसका? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम। आगे, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। जी हाँ, बताइए इसका आंसर है गुजरात। आगे, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ए आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना, बी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना या सी अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देना या डी स्मार्ट क्लास को के माध्यम से रोजगार सृजन करना। यहाँ बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर ए होगा, आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम। आगे, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी? जी हाँ, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी? तो ए ज्योति सिंह, बी अमृता कुमारी या सी अलका लांबा या डी सरोज सिन्हा। जी हाँ, बताइए तो इसका आंसर होगा सी अलका लांबा। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी अलका लांबा। आगे, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना
राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। ए कजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, या सी कर्गिस्तान, या रूस। डी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी है, कर्गिस्तान ने किया है, तेंदुए का, हिम तेंदुए का अपना राष्ट्र प्रतीक घोषित किया है। आगे स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता। ए अनामिका सिंह, बी अनुराधा राय, या सी आनंद सिंह, या डी अंजलि सिंह। यह बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सी अनाहत सिंह। आगे 46वां नंबर है, 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया है। एक बार फिर सुन लीजिए, 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया है। कितने वर्षों के लिए चुना गया है ये देखना है। 1 जनवरी 2024 से कौन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, जी हाँ बताइए। ए 2 वर्ष, बी 3, सी 4, या डी 5। जी हाँ बताइए, इसका आंसर है 4 वर्ष, सी। आगे एक जनवरी 2024 को किस देश ने 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई। ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, या डी मेडागास्कर। यह बताइए इसका आंसर बी है, जापान। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई, तो जापान इसका आंसर है, जापान में आया था 1 जनवरी 2024 को। आगे राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया। ए झारखंड, बी मेघालय, सी असम, डी झारखंड छत्तीसगढ़। ये बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर सी है, असम। 40 लाख छात्रों का प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से है ना, असम राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया। आगे 50वां नंबर और आखिरी नंबर, अगर यहाँ तक बने तो एक तो आप लाइक दे ही सकते हैं ये आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है। ए 5वीं से 8वीं, बी 6ठी से 9वीं, सी 5वीं से 10वीं, या डी 9वीं से 12वीं। यहाँ इसका आंसर है डी 9वीं से 12वीं। एक बार फिर से देख लेते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है। तो कहाँ गया है, 9वीं से 12वीं तक। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।